हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांश शुक्ला आपके साथ फिर से आ गया हूँ फ्यूचर्स पॉइंट पर। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर्स, है ना। और रियल नंबर्स की एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी 1.2 की। आज सभी एक्सरसाइज हम करेंगे और मैं आपको मेथड बताऊँगा, ओके। मेथड आपको बताऊँगा और आपका काम है घर पर उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक। 140, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका फैक्टर करना है। यहाँ पे साइड में हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा? 70 बार में। ये 35 बार में। ये 5 से करेंगे तो 5 7 जा और 7 1 जा। इसका हमारा क्या आ गया? 2। देखिए दो बार 2 है इसलिए हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। फिर इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक। ये हमारा क्या निकल आया? इसका प्राइम फैक्टर निकल आया है, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकलता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 कैसे होगा? इसका फैक्टर करिए। 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 3 जा 6, 2 9 जा 80, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। 2 दो बार है इसलिए इसका स्क्वायर यहाँ पे 3 इंटू में 13, ठीक। ये हमारा क्या निकल आया है? इसका प्राइम फैक्टर निकल आया है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे प्राइम फैक्टर निकाले जाएंगे। ये मेथड आपको अपना एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। हमको ये कोई भी नंबर दिया रहेगा, हमको उसका फैक्टर करना है। अगर कोई चीज़ दो बार है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, तीन बार होती उसका हम लोग क्यूब कर देते, चार बार होती तो जैसे यहाँ पे फोर बार होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते? 2 की पावर 4 कर देते। इस तरह से हम लोग करते हैं। ये फैक्टर था हमारा और इसका फैक्टर हम लोग लिख देंगे। इस पहले का आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस अब जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको खुद से करना है, ठीक। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मिनट देखिए, हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। और नंबर हमको क्या दिए गए हैं? 26 एंड 91, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। फिर उसके बाद हमको एक फॉर्मूला दिया गया है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक। ये टू नंबर्स हो गए यहाँ पे, टू नंबर्स, ठीक। अब देखिए करना क्या है, हमको एक बार इन दोनों का एलसीएम, ठीक, फिर इन दोनों का एचसीएफ और फिर हमको इसका और इसका इनटू करके इसकी जगह पे लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा और यहाँ पे क्या आएगा? 30, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग 91 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में जाएगा हमारा, बताइए कितनी बार में जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
फिर 13 का 13 वंजा 13, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 26, यहाँ पे लिखा मैंने 91, ठीक। इसका हमारा क्या फैक्टर है, 2 इंटू में 13, इसका क्या हुआ 7 इंटू में 13, ठीक। एलसीएम निकालना है दोनों का, एलसीएम, ठीक है। जो चीज 2 है 2 लिखेंगे, यहाँ है 7, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे देखिए 13 2 बार, दो बार है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे हम लोग एलसीएम में, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इंटू कर देंगे इसका, ठीक है। इंटू जब करेंगे तो 13 7 जा 91, और 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा, मतलब कि इतना आएगा 182 आ जाएगा। एचसीएफ हमको निकालना है इसका, एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा केवल उसको लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आ गया 30, ठीक है। ये हमारा एलसीएम था, ये हमारा एचसीएफ है। हम लोगों का एलसीएम कितना मिला है 182, ये क्या है हमारा एलसीएम, एचसीएफ क्या है हमारा 13, ठीक है। अब देखिए हम लोग करना क्या है, अब हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एलसीएम, देखिए यहां लिखा है एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना है 182, इनटू में एचसीएफ हमारा कितना है 30, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट क्या है 26 इनटू में 91, प्रोडक्ट्स का मतलब होता है हम लोगों का इनटू, ठीक है, दोनों नंबर्स का इनटू। अब एक काम करिए, इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 26 इनटू में 91, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 6 2 9 6 14, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 2 जाए 80 80 और 5 18 और 5 हमारा कितना आएगा 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, आप इसका इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 6 6, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 6 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, दोनों इधर की वैल्यू और एलसीएम, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों ही इक्वल आएगी। हम लोगों ने किया क्या, फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोगों को दो नंबर दिए जाएंगे, ठीक, कहेंगे इसका एलसीएम निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर, मतलब कि इसका और इसका इंटू करके इसको वेरीफाई कराइए, इसको देखिए कि क्या ये दोनों सही आ रहे हैं। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आपको दिखाया भी अभी हम कैसे नहीं है, तो इसका इसको लेकर के इसका एलसीएम अलग ले लीजिए, फिर इसका और इसका एचसीएफ निकालिए, ये इसका एलसीएम आएगा, ये इसका एचसीएफ आएगा, और प्रोडक्ट्स ये इंटू ये, इन दोनों का इंटू कीजिए इतना, इन दोनों का इंटू इतना, मतलब कि दोनों ही बराबर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एकदम इसी तरीके से होगा। आप लोग क्या करना है, दिखा रहे हैं, इस बार पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे आपको, सिर्फ मेथड बता रहे हैं, आप लोगों काम है इसको घर में सॉल्व करना, ठीक है। क्या है 510 एंड 92, ठीक, इसका आपको एलसीएम, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एलसीएम इनटू में एचसीएफ, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, डरने की बात नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक, एलसीएम हमारा जो कुछ भी आएगा, ठीक है, एचसीएफ हमारा जो कुछ आएगा इनटू में, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, ये मतलब कि हमारा इतना इनटू में हमारा इतना, ठीक, फिर इन दोनों का इनटू कीजिएगा जो आएगा यहाँ, इन दोनों का इनटू कीजिएगा जो आएगा यहाँ, ये दोनों एकदम बराबर आएंगे, ठीक है, और अगर एक दूसरे के बराबर आ गए इसका मतलब ये एकदम सही है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, जो चीज अभी कराया वही चीज है। 12 दिए हैं, 15 दिए हैं एंड 21 दिए हैं। कह रहे हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। हम लोगों ने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया है कि जब भी हमको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना रहता है किससे फैक्टर करके, तो हम लोग करेंगे क्या, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे करके देख ले रहे हैं, 12 का फैक्टर कीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर उसके बाद में 15 का कीजिए, 3 5 5 1 जा। फिर उसके बाद 21 का करिए, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 15, यहाँ लिखिए 21। फिर उसके बाद में देखिए क्या आ रहा है हमारा, 2 2 3, यहाँ क्या आ रहा है, 3 5, उसमें क्या आ रहा है, 3 7, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम देखिए, एलसीएम एलसीएम 2 इसमें है और सब में नहीं है, इसलिए ये वाला 2 हम लोग यहाँ पे लेंगे। ये 2 है और सब में नहीं है, ये 2 भी ले लीजिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 तीनों में है, तो एक 3 उतारेंगे और ये वाला छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए 5 है, इन दोनों में नहीं है, तो हम लोग एक 5 भी उतारेंगे। फिर उसके बाद देखिए 7 किसी में नहीं है, एक 7 भी ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग जो भी इसका इंटू करके आएगा, इन सब का इंटू कर दीजिएगा, हमारा जो भी आएगा यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए एचसीएफ, ठीक है। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें 3 कॉमन है, 3 है और कुछ भी नहीं है, केवल 3, यहाँ देखिए 3 का पेयर बन रहा है केवल, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ना कैसे एलसीएम निकाले और कैसे एचसीएफ निकाले। एलसीएम निकालने के लिए क्या, हम इसमें सब देखते हैं कि 2 है और सब में है कि नहीं, मतलब कि नहीं है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक। तो देखा आप लोगों ने कैसे मैंने जो है एक बार एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है ना। और इसी तरह से जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं इसके बेस पर ऐसे ही होंगे, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी तरह आपको करना है, घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग आज इतना ही कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक। थैंक यू।